किस प्रकार के ब्रह्मचारी को राजा स्वीकार करना चाहिए, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। सोममित्यस्य तापसा ऋषि सोम अग्न्यादित्य विष्णु सूर्य बृहस्पतयो देवताः अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः ओम। सोमागुं राजानामवसेग्नि मन्वारा भामहे आदित्यान् विष्णुगुं सूर्यं ब्रह्माणां च बृहस्पतिं स्वाहा। जो ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचर्य व्रत से 48 वर्ष पर्यंत विद्या अध्ययन में परिश्रम करता हो और फिर गृहस्थ में प्रवेश करता हो, ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ को राजा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करता है वह सांगोपांग चारों वेदों को पढ़ने वाला होता है। वह विद्वानों में सूर्य की भांति प्रकाशित होता है। वह बृहस्पति की भांति श्रेष्ठ रक्षक होता है। वह अग्नि की भांति शत्रुओं को जलाने में सामर्थ्यवान होता है। वह सोम की भांति शांत गुण संपन्न युक्त होता है। वह राजा धर्माचरण से प्रकाशित होकर आदित्यान अर्थात विद्या के लिए 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य में रहकर पूर्ण विद्यावान होता है। और पूर्ण विद्यावान व्यक्ति जो गृहस्थ में प्रवेश करता है और सनातन राजनीति से राज्य करने का संकल्प लेता है, तो उसी को राजा स्वीकार करना चाहिए। यही सनातन सच्ची नीति है, इसी को बढ़ाएं।